नमस्कार। ज़्यादातर मैं बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ और वेब सीरीज़ का रिव्यू करती हूँ, पर आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ पांच कॉलीवुड के शानदार और ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जो कि नेपाली सिनेमा से है। इन मूवीज़ ने इंटरनेशनल लेवल की सिनेमा में वाहवाही बटोरने में कामयाब हुआ था। ये मूवी आप लोग हिंदी डब में तो नहीं देखने को मिलेगा, फिर भी आप लोग इंग्लिश सबटाइटल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये मूवी पक्का पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग आर्या फिल्मी टॉक्स एंड माई सेल्फ आर्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पांचवें नंबर पर है झोला। ये एक ड्रामा मूवी है। ये मूवी रिलीज हुआ था 2014 में। इसको आईएमडीबी रेटिंग मिला था 7.5, तो वही 91% गूगल यूजर ने इसको पसंद भी किया था। इस मूवी में नेपाल का रूढ़िवादी समाज के काला सच को आईने की तरह दिखाया गया है। मूवी में 1920 के दशक नेपाली समाज में हो रहे सती प्रथा कल्चर को दिखाया है, जिसमें अपना पति के मरने के बाद उसी के चिता के अग्नि में खुद को जला के अपना प्राण त्याग देना पड़ता था। इस मूवी में उस समय में जो नारी के ऊपर शोषण होता था वो अच्छी तरीके से दिखाया है, और सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। मूवी में माँ बेटे का प्यार को भी सही तरीके से पर्दे पे उतारा है। इस मूवी का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब कुछ बढ़िया है। तो नंबर चार पर है कालो पोथी। ये एक ड्रामा मूवी है। ये मूवी रिलीज हुआ था 2015 में। इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग मिला था 7.2, तो वही 92% गूगल यूजर ने इसको पसंद भी किया था। इस मूवी में नेपाल में एक समय सरकार और माओवादी के बीच हुए लड़ाई के बारे में दिखाया है, जिसके वजह से गांव घर में आम आदमी के ऊपर किस तरह बुरा असर हुआ था। इस मूवी में दो युवक प्रकाश और किरण के बीच गहरे दोस्ती को भी दिखाया है। मूवी का मेन अट्रैक्शन है काला मुर्गी, जो प्रकाश के पिताजी बिना पूछे बेच देता है, जो उसके दिल के करीब होता है। अब प्रकाश और उसका दोस्त किस प्रकार उस मुर्गी को फिर से हासिल करते हैं या नहीं, ये अच्छी तरह से दिखाया गया है, और इसी दौरान दोनों दोस्त किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं। मूवी का म्यूजिक, डायरेक्शन, स्टोरी लाजवाब है और एक अच्छा सोशल मैसेज भी दिया है। इस मूवी में इंटरनेशनल फिल्म जगत में भी वाहवाही बटोरा था। तीन पर है कग बेनी। ये मूवी रिलीज हुआ था 2008 में। इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग मिला था 7.4, तो वही 93% गूगल यूजर ने इसको पसंद भी किया है। ये एक ड्रामा हॉरर मूवी है। इस मूवी का नाम दिया है एक नेपाल के मशहूर टूरिस्ट प्लेस के ऊपर कागबेनी, जो काली गंडकी के गोद में है। ये मूवी में निमा रुम्बा, जो एक नेपाल का मशहूर सिंगर है, और वो दिखेंगे कृष्ण के किरदार में, जो अपने गांव मलेशिया से कई वर्षों के बाद आता है, और उसका मुलाकात उसका एक पुराना दोस्त रमेश के साथ होता है, जो एप्पल वाइन का बिजनेस करता है। वैसे ही वाइन डिलीवरी करने के लिए दो मित्र एक ओर से पहाड़ी होते दूसरे ओर जाने के लिए रेडी होता है। पहाड़ी इलाका होने के कारण गाड़ी नहीं जाती है, तो घोड़े में वाइन रखकर घाटियों से जाते हैं। बीच रास्ते में ही रात होने के कारण दो साथी एक छोटी सी डेरा में रात गुजारने के सोचते हैं। तभी उधर उन लोगों का मुलाकात एक साधु से हो जाता है। वो साधु एक बंदर के पंजा कृष्ण को देकर बोलता है कि ये जादुई बंदर का पंजा उसके सपनों का पूरा करेगा। अब ये मूवी में देखना है कि सच में ये जादुई बंदर का पंजा काम करती है या नहीं, और उसके बाद मूवी में किस प्रकार टर्निंग पॉइंट आता है, ये मूवी को रोमांचक बनाता है। ये मूवी का सिनेमाटोग्राफी
विजुअलाइजेशन, डायरेक्शन लाजवाब है और नेपाल की सुंदरता को भी बहुत ही अच्छी तरह पेश किया है। ये मूवी का स्टोरी कहीं बॉलीवुड हॉलीवुड से कम नहीं और इस मूवी को इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत ही पसंद किया था। नंबर दो पर है तलक जंग वर्सेस टुलके। ये एक ड्रामा मूवी है। ये मूवी रिलीज हुआ था 2014 में। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिला था 8.2, तो वही 89% गूगल यूजर ने इसको पसंद भी किया था। इस मूवी में आप लोगों को नेपाली सिनेमा जगत का बहुत अच्छा अच्छा कलाकार देखने को मिलेगा। मूवी में टोलके का किरदार किया है खगेंद्र लामिछानी ने, जो गांव का एक फनी टाइप का लड़का होता है जिसे बच्चे से बूढ़ा तक मजाक करता है। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसको झूठा आरोप में उसको गांव से बेइज्जत करके निकाल देता है। अपने जान बचाने के लिए वो शहर की तरफ भागता है। शहर में बहुत साल रहने के बाद वो अपना पुराना गांव उन आदमियों से बदला लेने के लिए वापस जाता है। पर जब वो गांव वापस जाता है तो गांव का नक्शा पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। अब वो क्या उस गांव वालों से बदला ले पाएगा या नहीं और किस किस चुनौती से गुजरते हैं, ये बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। इस मूवी में नेपाल का हाई अलर्ट वाला टाइम को भी अच्छी तरीके से दिखाया है, जिसमें माओवादी और गवर्नमेंट का युद्ध होता है और नेपाली गांव का समाज को भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। मूवी का डायरेक्शन, म्यूजिक, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है। तो नंबर एक पर है पशुपति प्रसाद। ये मूवी रिलीज हुआ था 2016 में। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिला था 8.5, तो वही 91% गूगल यूजर ने इसको पसंद भी किया था। काठमांडू शहर नेपाल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे भारत का मुंबई शहर को सपनों का नगरी बोलते हैं, तो वैसे ही काठमांडू भी बहुत सारे गांव वालों जो खेतीबाड़ी करते हैं वो लोग अच्छा पैसा कमाने के लिए अपना अच्छा भविष्य की खोज में आते हैं। मूवी में भी कुछ इसी तरह पशुपति प्रसाद, जो गांव का लड़का है, जो नेपाल में आए हुए खतरनाक भूकंप में अपने माँ बाप को खो देता है, वो अपना पिताजी का कर्ज और अच्छा भविष्य के लिए काठमांडू आता है। काठमांडू अनजान शहर में उसका मुलाकात उसके गांव का एक मुंह बोले चाचा के साथ हो जाता है, जो पशुपति घाट में मरे आदमी का शव जलाने का काम करता है। क्या अब वो चाचा, जो खुद ही गरीब है, वो पशुपति प्रसाद का हेल्प करेगा और चोर चकारी जैसे भरा शहर पशुपति को शांति से जीने देगा या नहीं, ये मूवी में अच्छी तरह दिखाया है। इस मूवी में एक गरीब आदमी का जीवन का सच बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। एक माँ का प्यार, जीवन का संघर्ष, पैसे का नेसेसिटी, सब बढ़िया तरीके से पर्दे पे उतारा है। मूवी का स्टोरी मास्टरपीस है, जो आप लोगों को हंसा हंसा कर रुला भी देता है। ये मूवी का एंडिंग फ्रैंकली बोलूँ तो आप लोगों को सुन करके रख देता है। मूवी देखिए, मूवी कैसा लगा नीचे कमेंट पर लिखना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।